हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो देख सकते हैं मैंने मीटर को कर दिया है ज़ीरो, ये ट्रिप हो चुका है इसका ज़ीरो। और आज चेक करना है हम लोग को कि 1 लीटर में बाइक कितना एवरेज देगी। तो मैं बॉटल में पेट्रोल कैरी कर चुका हूँ पहले, ये जिसमें जो थोड़ा बहुत पेट्रोल है इसको पहले ख़त्म करते हैं और फिर उसके बाद 1 लीटर नेट पेट्रोल इसमें डालेंगे। फिर उसके बाद चेक करते हैं कि 1 लीटर में एग्जैक्ट कितना ये देगी एवरेज। तो स्टार्ट करते हैं, पहले ये वाला तेल ख़त्म करते हैं जो इसमें पहले से पड़ा हुआ है। देख सकते हैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सा है, देखते हैं अभी इसमें कितना चलेगी। फिर उसके बाद एग्जैक्ट 1 लीटर पेट्रोल इसमें डालेंगे, फिर देखते हैं कितना वो हम लोग को एवरेज देता है। तो फाइनली गाइस, जहाँ हम लोग को पहुँचना तो पहुँच गए हैं, पर अभी जो मेरे बाइक में पेट्रोल था वो अभी ख़त्म तो हुआ नहीं है। और यहाँ पे 1 लीटर और 1 लीटर ये रखा हुआ है। पहले जब ये वाला पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो मैं 1 लीटर डाल के इसमें चेक करना है कि 1 लीटर में कितना एवरेज इसका आता है, 1 लीटर में कितना एवरेज आता है। और फिर जब ये पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको डाल के पेट्रोल पंप तक जा सकता हूँ। इसलिए मैं 2 लीटर कैरी कर रहा हूँ अलग अलग बॉटल में कि एग्जैक्ट 1 लीटर कहाँ मुझे पता चले कि कितना एवरेज दे रहा है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, पहले तो यहाँ फ़ोटोशूट वूट होगा, भाई लोगों के साथ पहले फ़ोटोशूट करते हैं। देख सकते हैं आर सी आज पूरा फ़ोटोशूट के मूड में है। और फिर यहाँ से निकलते हैं, पहले अपने बाइक का फिर देखते हैं कितना चलेगा। पहले जिसमें पहले से पेट्रोल है उसको ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद एग्जैक्ट 1 लीटर डालते हैं और देखते हैं कि कितना एवरेज इसमें 1 लीटर में मिलता है। और मेरी ड्यूक 200 है, BS4 मॉडल, मैं पहले बता देता हूँ। तो थोड़ा देर यहाँ इन्जॉय करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस, जैसा कि फ़ोटोशूट स्टार्ट हो चुका है, एक RC पहले खड़ी है, फिर सेकेंड, फिर R1 है, फिर ड्यूक है, फिर R1 है, फिर R1 है, फिर ड्यूक है, फिर RC है। गाइस, तो थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं, फिर चेक करते हैं एवरेज बाइक का, देखते हैं कितना मिलेगा 1 लीटर में एग्जैक्ट। फाइनली गाइस, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। तो एक बाइकर जा चुका है क्योंकि उसका इधर तो सीधा पड़ता, वो चला गया और हम कह लोग हैं ठीक, 5 बाइक्स जा रही हैं इधर से, 5 लोग इधर से जा रहे हैं। और पता नहीं कौन से गांव के साइड से आज हम लोग निकले थे, आज का मुझे कुछ नहीं पता रास्ता, तो मैं इसीलिए सबसे पीछे चलने वाला हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी रास्ता वास्ता नहीं पता है। पता नहीं कैसे कैसे गांव में से हम लोग आए थे आज, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है कितना देगी, पर देखते हैं। और पता नहीं आज कैसी सी जगह पे आए हुए हैं हम लोग, ये गांव है, हम लोग की सिटी से बहुत दूर है। तो आज मज़ा आ गया राइड पे, दो दो चीज़ हो गया, राइड भी मेरी हो गई संडे राइड, और जैसे कि ये मुझे अपना एवरेज चेक करना था इसके लिए मैं दिखा ही चुका हूँ, पेट्रोल रखा हुआ हूँ बैग में, कैरी किया हुआ हूँ। तो अब जहाँ पे भी ख़त्म होगा तुरंत रोकूँगा बाइक, पेट्रोल डालूँगा और फिर मीटर को करूँगा ज़ीरो, ट्रिप को, ट्रिप ज़ीरो होगा और चेक कर लूँगा कि कितना एवरेज एग्जैक्ट दे रहा है बाइक। सिंपल सा बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं कितना दे सकता है क्योंकि एकदम कभी तो मैंने चेक किया नहीं, और ऐसे 1 लीटर 2 लीटर कभी मैंने चेक किया ही नहीं है, ध्यान भी नहीं दिया। तो आज चेक हो जाएगा तो पता चल जाएगा कितना मिलता है एवरेज। तो गाइस, मैं इतना लंबा खींचा लेकिन अभी तक बाइक एक बार भी मिस नहीं की है यार। ये तो एवरेज बहुत अच्छा दे रहा है, मुझे अभी से लगता है कि 1 लीटर में अच्छा एवरेज देगा। पूरा आज इसको चूस लेना है, फिर उसके बाद ही तेल डालूँगा कि एग्जैक्ट एवरेज पता चले, कोई भी ऊपर नीचे ना हो पाए। और यार सब भगा रहे थे,
गाइस हम लोग चल चुके हैं एटलीस्ट 18 से 19 किलोमीटर, और अभी जो मेरे गाड़ी में पहले से पेट्रोल था वो नहीं फिनिश हुआ है। देखते हैं कब तक ख़त्म होता है। तो गाइस जैसा कि 28 किलोमीटर चल चुके हैं पर अभी तक बाइक उसी पेट्रोल में चल रहा है जो मेरे बाइक में पहले से था। तो देखते हैं कहाँ पे पेट्रोल ख़त्म होता है। पेट्रोल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और मुझे जहाँ तक लगता है एवरेज ऐसे ही कुछ आएगा 30-40 तक 1 लीटर में निकालेगा बाइक। अभी तो वो पड़ा नहीं है, ये मुझे आइडिया नहीं ना कितना था, वरना मैं ऐसे ही देख लेता। तो कोई बात नहीं, अभी ये जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे देखते हैं। फिर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एटलीस्ट गाइस मैं चल चुका हूँ 50.6 किलोमीटर्स, एग्जैक्ट कह सकता हूँ 51 किलोमीटर होने वाले हैं, और अभी तक मेरे बाइक का पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ है जो मेरे बाइक में पहले से था। तो अभी तो वो भी मुझे डाल के चेक करना है कि एवरेज कितना निकलता है। बहुत ज़्यादा आज की राइड तो तबाही थी, पर और सब लोग जा चुके हैं, बस मैं अकेला हूँ। मैं भी जा रहा हूँ अपने एक फ्रेंड को लेवाने, क्योंकि वो संडे है तो वो भी फ्री है, तो उसको लेवा लेते हैं। वो अपनी बाइक से नहीं चलेगा, वो मेरे पीछे ही बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक का देखते हैं कब ख़त्म होता है, क्योंकि अभी तो 51 किलोमीटर हो चुका है, ख़त्म नहीं हुआ है पेट्रोल जो पहले से था। 2000 years later. तो फाइनली गाइस सुबह से हो अभी तक चलाते चलाते कितना चल चुका है, 64.5 किलोमीटर्स, और अब बारी है इसमें 1 लीटर पेट्रोल डालने की और फिर चेक करने की कि कितना एवरेज मिलता है बाइक का। और मैं फिर बता देता हूँ, ये ड्यूक 200 VS4 मॉडल है, 64.5 चल चुका है। तो मैं अब करता हूँ ट्रिप को ज़ीरो, पहले पेट्रोल डाल लेते हैं फिर करते हैं ट्रिप को ज़ीरो। भैया जी थोड़ा सा हटिए। तो बैग लाओ, नहीं उससे नहीं करने की ज़रूरत थी, बैग मतलब उतारो। उस उधर नहीं है, पीछे ले पॉकेट में है। हाँ बंद कर दो। फ्लैश दिखाना अपने फोन से। किधर से सही पड़ेगा पेट्रोल डालने के लिए, बाइक को सीधा कर लो। और अच्छा रहने दो, इधर दिखाते रहो। तो फाइनली गाइस इसको बैग में डाल दो, क्योंकि ये बोतल काम आती है मेरे हमेशा। 1 लीटर पेट्रोल इसमें पड़ चुका है, और अब करते हैं ट्रिप को ज़ीरो। और पेट्रोल एकदम ख़त्म हो गया था, बाइक नहीं स्टार्ट हो रहा था, और करते हैं अब हम लोग ट्रिप को ज़ीरो। अबे कैसे किया था, हाँ गाइस हो चुका है ट्रिप ज़ीरो। अगर आप लोग को दिख रहा हो तो देख सकते हैं ट्रिप ज़ीरो है, और अब चेक करते हैं कि 1 लीटर में बाइक कितना चलता है। फाइनली गाइस बाइक चल चुका है 16.6 किलोमीटर बाइक चल चुका है। और यार आज पूरा मेरा दिन निकल गया यही चेक करने में कि कितना देगा एवरेज, क्योंकि मेरे बाइक में पेट्रोल था और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। शाम हो गई ख़त्म करते करते उसको, उससे चला 60 किलोमीटर चला और बहुत ज़्यादा रात हो गया है, और 1 लीटर वाला मैं चेक कर रहा हूँ कि
कि इसको क्या बोलते हैं, हाँ कितना एवरेज देगा, क्या बोलते हैं कितना एवरेज देगा कुछ भी मतलब। और ये ऐसा एक हाईवे है जहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट ही नहीं जल रही है गाइस, ये हाल है हाईवेज के। तो मुझे यही चेक करना है कि कितना एवरेज इसका आज मिल जाता है, और मेरा पूरा दिन इसमें लग गया है बस एक लीटर पेट्रोल डाल के चेक करने में। और पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा था मुझे लगता है पहले, क्योंकि 60 किलोमीटर चल गया बाइक, जानते हैं KTM का एवरेज कम है, पर 60 किलोमीटर चला बाइक और बहुत अच्छे, बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। मैं सुबह से राइड कर रहा हूँ, सुबह 12 बजे से, आज संडे राइड सुबह में एकदम नहीं था क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा था, इसलिए प्लान बना कि 11-12 बजे निकलते हैं। तो मैं 12 बजे घर से निकल गया था और अभी तक चलते चला जा रहा हूँ और कितना 17.7 हो गया है, देखते हैं अभी बाइक कितना चलता है। ख़त्म। रुको रुको रुको, अब हमको आने दो आगे, हैं गाने बंद है अब हमको आने दो, उतरो बे। हाँ तो वही तो करना है, बैग ले लो, बैग। फाइनली गाइस लगता है मुझे कि पेट्रोल हो चुका है ख़त्म, पर अभी देखते हैं कितना दूर और चलता है क्योंकि बंद हो चुका है बाइक एक बार मिस मार के। अब देखते हैं कितना आगे और हम लोग को ये बाइक ले जा सकता है, और कितना चल गया है, 33.7 किलोमीटर मुझे लगता है एक लीटर में हुआ है। बस लास्ट ट्राई कर लेते हैं एक और बार ना। तो गाइस पूरा पेट्रोल हो चुका है, 33.7। फाइनली गाइस जो एक लीटर मैंने पेट्रोल डाला था इसमें वो हो चुका है ख़त्म और 33.7 किलोमीटर बाइक चला है। अब ये मैं डाल रहा हूँ बैकअप, ये बैकअप है, इसको डाल के चलते हैं घर। इधर दिखाओ। फाइनली गाइस बाइक का एवरेज आ चुका है कि 1 लीटर में 33.7 किलोमीटर चल चुका है। और अब व्लॉग को करते हैं एंड यहीं पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लेट हो गया है, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।